वेलकम है स्टूडेंट्स, बच्चों आप सभी स्टूडेंट्स का पटेल का सेशन में हार्दिक स्वागत है। बच्चों आज हम लोग संख्याओं का वर्गमूल निकालना सीखेंगे, जिसमें कि एक विधि हम यूज कर रहे हैं जिस विधि को बोलते हैं भाग विधि। भाग विधि द्वारा संख्याओं का वर्गमूल हम लोग कैसे निकालते हैं, बहुत ही इजी तरीके से हम लोग सीखेंगे। बच्चों देखिए, सबसे पहले संख्या लिखी होती है, संख्या आप यहाँ लिखिए, इसलिए क्वेश्चन आपका है इसका आपको वर्गमूल निकालना है, इसी का आपको वर्गमूल निकालना है कितना होगा। तो सबसे पहले आपको संख्या लिखना है 1 9 1 8 7 7 9 0 4। ये क्वेश्चन लिख दिया, बहुत आराम से इसको कीजिए, ठीक। एक लाइन यहां खींचेंगे, एक लाइन आपको यहां खींचना, बड़े ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आपको ये चीज संख्या लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके आंसर में कितने नंबर्स आएंगे, वर्गमूल जो इसके निकालेंगे, दो दो जोड़े बनाएंगे हम लोग बेटा, दो दो के जोड़े बनाते हैं, एक जोड़ा ये बन गया, 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 यह क्लियर क्लियर है। अब हमको स्टार्टिंग क्या करना है, स्टार्टिंग में हमको करना क्या होता है, सबसे पहले हम देखिए एक है किस संख्या का वर्ग एक या एक से कम होता है, तो एक का ही होता है, तो एक यहां लिखेंगे और एक यहां लिखेंगे, एक का अब इसका मल्टीप्लाई इस साथ करेंगे, इस वन का मल्टीप्लाई इस साथ करेंगे, तो वन वन जा वन होता है, ये वन लिख दिया मैंने, क्लियर है। यहां पर हम लोग खींचेंगे, यहां माइनस लगाइए, एक में एक घटाइए, कुछ नहीं बचेगा, क्लियर है। इसके बाद इसमें इकाई जोड़ना है, अगर यहां दो होता तो दो जोड़ते, तीन होता तो तीन जोड़ते, चार होता तो चार जोड़ते, अगर आ जाता 12 12 आ जाता, तो इकाई में क्या है, दो है तो दो जोड़ते, अगर आ जाता 19 इकाई में क्या है, 9 है तो 9 जोड़ते, ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो इकाई होता है, इकाई होते हैं, यहाँ पर क्या है एक, तो यहाँ पर जोड़ेंगे एक, तो एक और एक कितना हो गया बच्चों, दो, क्लियर है, एक और एक हो गया दो, तो दो मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर आप ये देखिए कि इसमें क्या उतारेंगे, तो ये दोनों जो जोड़े होते हैं ना, ये पूरा उतरता है, तो 9 उतरेगा और 1 उतर आया, उतार दिया। अब इसके बाद करना क्या बेटा, यहां पर एक नंबर आएगा तो ये नंबर हो जाएगा, यहां पर जो एक नंबर आएगा ये नंबर हो जाएगा वन के लिए, यहां क्या है 2 का पावर पड़ी है कि 9 से ज्यादा ले जाए, तो 2 4 8, 2 5 10, तो 4 बार जाएगा, ठीक। अब सुनिएगा, जब 4 बार यहां जाएगा तो 4 यहां लिखेंगे, 4 यहां, 4 यहां लिखेंगे, 4 यहां, तो सबसे पहले आप क्या करिए, बाहर मल्टीप्लाई करवा लीजिए, यहां पर क्या है 2 4 आएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 4 जा 4 4 16 कई दिन हुआ 1 4 2 8 1 9 बेटा यहाँ हो जाएगा 96, यहाँ क्या 91। इसका मतलब ये है कि ये जो हम 4 बार ले गए हैं वो 4 बार नहीं जाएगा, 3 बार ले जाइए, तो 3 बार ले आए आप, बात क्लियर है बेटा, आपको क्लियर हो रहा है, पीछे भी कोई दिक्कत तो नहीं है, आपको 3 बार ले जाना, 3 यहाँ लिखिए और 3 यहाँ, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इस 3 का 3 में गुणा, 3 3 9 हासिल नहीं आया, 3 2 6, अब क्या करना है इसको घटाना है, माइनस कीजिए, 11 में 9 घटाओगे तो 9 2 11 आएगा, 2 आया, यहां क्या बचा 8, 8 में 6 गया तो 2 आया, क्या उतारेंगे बेटा, ये जोड़ा उतारते हैं आप, पेयर इसका होता है 8 और 7, क्लियर है। यहां पर इकाई जोड़ते हैं, इकाई क्या है 3, जोड़ दीजिए 3 3 3 6 और ये आ गया 2। अब देखिए यहां जो नंबर है, इस नंबर के लिए ये 7 हो गया, 6 के लिए 8 हो गया, तो इस 2 के लिए क्या बचा 22, 2 के लिए क्या बचा 22, तो ध्यान दीजिएगा 2 के लिए 22 बचा, यहां मेरे पास नंबर क्या है 26,
तो अब दो को पहाड़ा अगर 9 बार पढ़ते हो तो 9 यहाँ लिखेंगे, 9 यहाँ लिखेंगे, एक बार करके मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कितना आएगा। 9 9 81 कैरी हुआ 8, कैरी हुआ 8, फिर 9 6 54 9 6 54 और 54 और 8 62, 62 की 2 कैरी हुआ 6 और 9 2 18 18 और 6 18 और 6 24। बेटा क्लियर इतना? ठीक है, देखते जाइएगा आप लोग भी। अब यहाँ पर कितना आया? 2287, यहाँ आया 2421, मतलब ज्यादा हो रहा है बेटा, ज्यादा हो रहा है। क्लियर हो रहा है ना आप लोगों को? बेटा आप लोग देखिए ध्यान से, ये ज्यादा हो गया, इसका मतलब कि 9 बार नहीं ले जाए, 8 बार ले जाए। अब 8 बार ले जाइए तो फिर कितना आएगा देख लीजिए, 8 8 64 की 4 हासिल लगा 6, 8 6 48 48 और 6 48 6 48 6 54 की 4 कैरी हुआ 5, 8 2 16 16 5 21। अब यहां पर क्या है, 2287 यहाँ 2144, यानी 8 बार आराम से चला जाएगा, 8 बार जाएगा तो 8 यहाँ लिखेंगे बेटा, 8 यहाँ लिखेंगे और 8 यहाँ लिखेंगे। बेटा कोई दिक्कत तो नहीं आई? क्लियर है? ठीक है, अब यहाँ इकाई जोड़ते हैं, इकाई 8 जोड़िए, 8 जोड़िए तो 8 लाइन थोड़ा सा नीचे, पहले इसका गुणा कर लो ना, पहले इसका एम गुणा करते हैं, 8 बार जोड़ेंगे, इसका गुणा करने में कितना आया 8 बार में 2144। बेटा घटाइए, घटाइए इसको, 7 में 4 गया 3 और थोड़ा पास से कीजिए इसको, 7 में 4 गया 3, 8 में 4 गया 4, 2 में 1 गया 1, यहां पर कुछ नहीं, क्या उतारेंगे नीचे, 7 और 9 क्या जोड़ेंगे, 8 8 जोड़िए, 8 8 16 की 6 हासिल लगा 1 6 1 7 और 2। यहां जो नंबर आएगा उसके लिए 9 है, यहां जो नंबर आएगा, यहां जो नंबर लिखा जाएगा, हंसिए नहीं देखिए ध्यान से, यहाँ जो नंबर आएगा उसके लिए यहाँ पर 9 है, 6 के लिए क्या है, 6 के लिए 7 है, 7 के लिए 3 है, तो 2 के लिए क्या बचा, 14, तो 2 7 14, 7 बार ले जाएंगे ज्यादा जाएगा, 6 बार ले जाएंगे। आप करके देख लीजिएगा, यहाँ पर आप कर ही रहे हैं तो करिए, यहाँ पर कितना है 2 5 6, अगर 7 बार ले जाओगे तो जाओ बहुत ज्यादा जाएगा, आप 6 बार ले जाइए तो यहाँ 6 बार ले जाइए, आप तो 6 बार ले जाएंगे कितना जाएगा देखिएगा, 6 4 36 कैरी हुआ, बोलते जाइए 3 6 4 36 कैरी हुआ 3 6 4 36 3 39 कैरी हुआ 3 56 30 3 33 कैरी हुआ 3 6 2 12 3 15 बेटा 15 3 96 या 14 3 79 है, तो 6 बार में भी ज्यादा जा रहा है ना, तो कितनी बार ले जाएंगे बेटा, 5 बार, 5 बार ले जाइए तो 5 लिखेगा यहाँ और 5 लिखेंगे यहाँ, तो 5 5 25 कैरी हुआ 2 5 6 30 2 32 कैरी हुआ 3 5 7 5 7 35 35 और 3 38 कैरी हुआ 3 और 5 7 35 हो गया, अब 5 2 10 कहाँ बेटा चेक कीजिए, 5 8 8 16 की 6 6 1 7 2 5 5 5 25 5 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
सात छः बुला दिया चेक कर लो ये वाला कितनी बार किया था आठ बार ना अठी अठी चौंसठ कई हुआ छः
और 8 6 48 6 48 6 54 की 4 कैरी हुआ 5 और 8 2 16 16 5 21 सही है। 7 में 4 गया 3, 8 में 4 गया 4, 2 में 1 गया 1 सही है ना। अब देखिए 5 बार करिए तो 5 5 5 25 कैरी हुआ 2, 5 6 30 2 32 कैरी हुआ 3 है ना, 5 25 कैरी हुआ 2, 5 6 30 2 32, 32 की 2 कैरी हुआ 3, 5 5 25 3 28 कैरी हुआ 2। संख्या कुछ गलत दे दिया क्या मैंने? संख्या गलत लिखवाया तो बेटा, संख्या गलत लिखवाया ना, ये है ना क्या? तो बोल नहीं रहे हो, बस बोल के बस बैठे हो आप लोग। ये है बेटा, ये संख्या है 5 7 6 5 है, 5 से करवा रहे हो, बोल नहीं रहे हो। 5 5 25 कैरी हुआ 2, 5 6 30 30 2 32 की 2 हासिल लगा 3, 5 7 35 3 38 की 5 हासिल लगा 3, 5 गुनी 10 3 13 8 सही है, सही है 13 8 25। अब क्लियर है? अब देखिए घटाइए, 9 में 5 गया 4, 9 में 5 गया 4, 7 में 2 गया 5, 5 बगल से लेगा 13 में 8 गया 5, यहाँ 4 3 में 3 में कुछ नहीं, क्या उतारेंगे यहाँ पर 0 और यहाँ पर 4, यहाँ पर 0 यहाँ पर 4, क्या जोड़ेंगे 5, 5 5 10, यहाँ आ गया 7, यहाँ 7, यहाँ 2। अब देखिए बेटा 2 यहाँ पर जो नंबर आएगा, यहाँ पर जो नंबर आएगा वो किसके लिए हो जाएगा? 4 के लिए, 0 हो जाएगा 0 के लिए, 7 हो जाएगा 4 के लिए, ये 7 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा 5 के लिए, तो क्या बात जाएगा 2 बार, कितनी बार? 2 बार, 2 बार यहाँ 2 बार यहाँ, 2 दुनी 2 का 0 में होते जाइए 0, 2 7 2 7 14 कैरी हुआ 1, 2 7 14 1 15 हासिल लगा 1, 2 दुनी 4 4 1 5 5। बेटा घटा दीजिए सेम टू सेम आ गया, कट जाएगा, अतः इसका जो वर्गमूल आया, इसका जो वर्गमूल आया वो कितना आया, यहाँ पे आंसर में नीचे लिखिएगा, यहाँ पे जो आंसर आया ये आपका आंसर है वो कितना है 13 8। बोलो बस समझ आई? नीचे लिखेंगे, नीचे अतः करके, अतः इसका जो वर्गमूल आया इस संख्या का वो कितना आया 13 8 52, 13 8 52। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों की ये भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालना चाहे जितना बड़ा से बड़ा हो, ध्यान रखिएगा इस मैटर को इस तरीके से करना है, इधर से आपको जोड़े बनाते चलना है, लास्ट में तुम्हारा चाहे एक नंबर का हो या दो नंबर का हो जो भी बचेगा उससे वर्गमूल इस तरीके से आपको ले लेंगे, आप लोग पूरा सॉल्व कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ बच्चों को आपके क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, इस तरीके से आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन करने हैं। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू स्टूडेंट्स।